Hello everyone, today our topic is there and it. In this chapter we will learn use of there and use of it. To say what and where something is, we can begin the sentence with there. हम सेंटेंस के बिगनिंग में यूज करते हैं देयर का, ये बताने के लिए कि कोई थिंग कहाँ पर है और क्या है. देयर मीन्स वहाँ, और देयर का हम यूज करते हैं सेंटेंस की बिगनिंग में. इज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. इज का यूज किया जाता है सिंगुलर मीन्स वन के साथ. आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल, जबकि आर का यूज किया जाता है मैनी के साथ. प्लूरल मीन्स मैनी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्री इन द गार्डन. देयर आर मंकीज इन द गार्डन. इज यूज्ड फॉर अ ट्री. अ ट्री क्या है? वन. एंड देयर आर मंकीज. मंकीज मोर देन वन, एक से अधिक हैं. सो वी यूज आर फॉर मंकीज. एंड स्टूडेंट्स, देयर का यूज किया गया सेंटेंस के बिगनिंग में ये बताने के लिए कि गार्डन में क्या है, वहाँ एक ट्री है. देयर इज अ ट्री इन द गार्डन, राइट. यहाँ बताया गया है देयर आर मंकीज, वहाँ क्या है, मंकीज हैं इन द ट्री, ट्री पर. क्लियर. इज का हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ मीन्स वन के साथ, जबकि आर का यूज किया जाता है प्लूरल मीन्स मैनी के साथ. लेट्स डू एक्सरसाइज वर्क. क्वेश्चन फर्स्ट, बिगिन ईच सेंटेंस विद देयर इज और देयर आर. फर्स्ट, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. सेकंड, देयर इज अ पिकॉक ऑन द रूफ. अ पिकॉक वन है, सो वी यूज इज विद अ पिकॉक. नंबर थर्ड, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल. टेबल पर कितनी बुक्स हैं? टू बुक्स. वन से अधिक के लिए हम यूज करते हैं आर का. क्लियर. नंबर फोर, देर आर 15 गर्ल्स. गर्ल्स एक से अधिक है, सो वी यूज आर फॉर 15 गर्ल्स इन द क्लास. फाइव, देर आर नो फ्लावर्स इन द बास. फ्लावर्स मैनी हैं, so we use are. Six, there are many people in the park. Many people, एक से अधिक है, many है. Number seven, there are 11 players. 11 players, plural है, so we use are with plural. There are 11 players in our team. Now question number two. Now say each sentence with their was or their were. यहाँ स्टूडेंट्स आपको देर इज या देर आर की प्लेस पर यूज करना है देर वाज और देर वर का. वाज इज यूज फॉर सिंगुलर. जैसे आपने इज का यूज किया था सिंगुलर के लिए वन के साथ, सेम एज हम वाज का यूज करते हैं वन के साथ. वर का यूज किया जाता है प्लूरल मीन्स मैनी के साथ. वाज और वर का हम यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका होता है. पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वाज और वर का. कोई एक्शन जब हमारा हो चुका है ये बताने के लिए हम यूज करते हैं वाज और वर का. फॉर एग्जांपल, देयर वाज सम मिल्क इन द पॉट. पॉट में थोड़ा सा मिल्क था, कुछ मिल्क था. वाज मीन्स था, वर मीन्स थे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर टू, आपको क्वेश्चन नंबर वन के सेंटेंसेस को ही रिप्लेस करना है. लेट्स सी हाउ. सेकंड में अगर आप वाज का यूज करेंगे, देयर वाज अ पिकॉक ऑन द रूफ. नंबर थर्ड में, देयर वर टू बुक्स ऑन द टेबल. जहां आर का यूज किया गया है उसके प्लेस पर आप यूज कीजिए वर का, जबकि इसके प्लेस पर आप यूज करेंगे वाज का. इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टू में इज का यूज किया गया है, तो आप इसकी जगह वाज का यूज कीजिए, जबकि जहां भी आर का यूज किया गया इसकी जगह आप वर का यूज कीजिए. क्लियर. देयर वर टू बुक्स ऑन द टेबल. देयर वर 15 गर्ल्स इन द क्लास. इजी है, आप कर सकते हैं, राइट. यू कैन डू. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. वर्का इज अ स्मॉल टाउन. वर्का एक स्मॉल टाउन का नाम है, छोटा सा टाउन है.
और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इस टाउन के बारे में, नो मॉल, यहाँ कोई मॉल नहीं है, आ कॉलेज, एक कॉलेज है, हॉस्पिटल है, टू सिनेमाज हैं, फोर टेम्पल्स हैं, एंड देर आर थ्री स्कूल्स एंड देर आर सम बिग शॉप्स इन दिस टाउन, राइट। नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट वरिका, बिगिन विद देयर एज और देर आर, यहाँ आपको देर एज और देर आर का यूज करते हुए सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। लेट्स सी, फर्स्ट, देयर इज नो मॉल इन वरिका। सेकेंड, देर इज अ कॉलेज इन वरिका। नंबर थर्ड, देयर इज अ हॉस्पिटल इन वरिका। फोर, देर आर टू सिनेमाज इन वरिका। देर आर फोर टेम्पल्स इन वरिका। नंबर सिक्स, देर आर थ्री स्कूल्स इन वरिका। नंबर सेवन, देर आर सम बिग शॉप्स इन वरिका। स्वयं हमने यहाँ देयर इज और देयर आर का यूज किया है सिंगुलर और प्लुरल को समझते हुए। नो मॉल, कोई मॉल नहीं है, इज का यूज किया गया है। आ कॉलेज, सिंगल कॉलेज है, सो वी यूज इज। आ हॉस्पिटल वन है, इज का यूज किया गया है, राइट। टू सिनेमाज एक से अधिक हैं, सो वी यूज आर। फोर टेम्पल्स एक से अधिक टेम्पल्स हैं, यहाँ आर का यूज किया गया है, राइट। आर थ्री स्कूल्स, थ्री स्कूल्स मीन्स एक से अधिक है, यहाँ हमने आर का यूज किया है, राइट। सम बिग शॉप्स, शॉप्स एक से अधिक हैं, सो वी यूज आर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, नाउ राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर टाउन, योर ओन टाउन, जिस टाउन में आप रहते हैं उस टाउन के बारे में आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे यहाँ एक टाउन दिया गया है, वर्का टाउन, सेम एज आप अपने टाउन के बारे में लिखिए, आपके टाउन में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितना सिनेमाज हैं, मॉल हैं या नहीं हैं, राइट। नाउ यूज ऑफ इट, इससे पहले हमने क्या समझा था, यूज ऑफ देयर, देयर का यूज हम कहाँ करते हैं, राइट। नाउ यूज ऑफ इट, वी कैन बिगिन अ सेंटेंस विद इट टू टेल द टाइम, डे, डेट और वेदर। जब हम टाइम बताते हैं या डे के बारे में बात करते हैं या डेट की बात करते हैं या हम वेदर की बात करते हैं, हम यूज करते हैं इट का। इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज और वाज आफ्टर इट। इट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब मीन्स जो हम वन पर्सन के साथ यूज करते हैं, इज या वाज, इसमें वर या आर का यूज नहीं किया जाता इट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, इट इज वेरी कोल्ड। रेनिंग क्या है, वेदर है। इट इज वेरी कोल्ड, अगेन वेदर। इट इज सिक्स ओ क्लॉक, यहाँ टाइम की हम बात कर रहे हैं, टाइम बताया जा रहा है, इट इज सिक्स ओ क्लॉक। इट इज मंडे टूडे, यहाँ हमने डे के बारे में बात की कि आज क्या है, इट इज मंडे टूडे, आज मंडे है, राइट। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज वर्क। क्वेश्चन फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट द वेदर, यहाँ आपको वेदर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स गिवन है जिसकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। फर्स्ट, इट इज हॉट, फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी इट इज वेरी हॉट, राइट। सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सो इट इज हॉट। इन सेकेंड पिक्चर, इट इज रेनिंग। नंबर थर्ड, इट इज कोल्ड। नंबर फोर्थ इज इट इज क्लाउडी, यू कैन सी क्लाउड्स इन दिस पिक्चर। नंबर फाइव, इट इज विंडी एंड इट इज स्नोइंग, स्नोफॉल हो रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, बिगिन ईच सेंटेंस विद इट इज, देयर इज एंड देयर आर, यहाँ आपको इट इज या देयर इज या देयर आर में से फिलअप करना है कंप्लीट। इट इज इवनिंग नाउ, हमने यहाँ पर इवनिंग के साथ यूज किया है इट इज का, राइट। देयर इज एन एग इन द कप, एग कहाँ पर है, वहाँ कप में है, सो वी यूज देयर इज। नंबर थर्ड, इट इज 8:30 बाय माई वॉच, यहाँ टाइम की बात की गई है तो हमने यूज किया इट इज।
नंबर फोर, देर आर मैनी ट्रीज इन दिस गार्डन, वहाँ गार्डन में कित मैनी ट्रीज की बात हो रही है तो हमने यूज किया यहाँ पर देर आर का। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है। हम इट का यूज़ कहाँ करते हैं? लेट्स सी अगेन। इट का यूज़ किया जाता है जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, टाइम बताते हैं, या डे की बात की जाती है, या किसी डेट की हम बात करते हैं, या वेदर की हम बात करते हैं, सो वी यूज इट। और इट के साथ हम वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। इज या वाज का यूज किया जाता है इट के साथ। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू।